नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, जहां पर बारिश की वजह से जलभराव हुआ और इस जलभराव में बिजली का तार डूब गए। नतीजा पानी में करंट दौड़ा। इस करंट में साक्षी आहूजा नाम की एक महिला आ गई और उनकी मौत हो गई। कल रात महिला अपने पति के साथ ट्रेन पकड़ने के लिए आई थी। हादसे की अब रेलवे और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने 304A के तहत केस दर्ज कर लिया है। ऐसा प्रमोद शर्मा मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रमोद, ये एक ऐसी लापरवाही है जो एक्सेप्टेबल तो नहीं है। ये देश की राजधानी नई दिल्ली है, जहां पर लोग, हजारों लोग रोज अपने गंतव्य तक जाते हैं या दिल्ली पहुंचते हैं, और तस्वीरें जो मैं देख रहा हूं आपके पीछे, वो तो जो एंट्री पॉइंट है जहां से बड़ी तादाद में हजारों लोग गुजरते हैं, वहां पर ऐसा इंसिडेंट होना पहले तो रेलवे पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल, ये एक ऐसी लापरवाही है जिसको कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कि ये जानते हुए भी कि बारिश का मौसम है और बारिश जो है वो होने वाली है, मानसून आने वाला है, और ऐसे में खुली हुई तारे जो है वो ठीक ऐसे जगह पर छोड़ दी जाती है जो कि एक पार्किंग एरिया है जहाँ पर गाड़ियाँ आके रुकती हैं। यहाँ से पैसेंजर जो है वो उतर के जो है यात्री रेलवे स्टेशन के अंदर जाते हैं, और उसी जगह पे काफ़ी पानी भी जमा होता है और उस पानी में उन तारों की वजह से करंट आता है। तो एक बड़ी लापरवाही है जिसकी वजह से एक महिला की मौत हो गई है। इस वक्त आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये FSL की टीम है, यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम है, जो कि यहाँ पर जांच करने के लिए आई है। पूरी इंस्पेक्शन की जा रही है कि किस तरीके से लापरवाही हुई है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कहाँ से जो है करंट पास हुआ था। लेकिन तस्वीरों में जो तारे हैं ये आप ये देख सकते हैं, फ्लड लाइट है, काफ़ी इसमें वोल्टेज की जो है करंट दौड़ता है, और वो इस पूरे इलाके में जिसको पूरा सील किया हुआ है, इस यहाँ पर जो है पानी में करंट दौड़ था। जब जो साक्षी आहूजा है वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिजनों के साथ जो है भोपाल जाने के लिए, शताब्दी पकड़ने के लिए आई थी सुबह करीब 5:30 बजे के करीब, जब वो रेलवे स्टेशन पहुंच के यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए एंट्री करने के लिए जाती है, तो उसी दौरान जो पानी के अंदर है वो करंट दौड़ रहा होता है, हाथ वहाँ लगता है और वहीं पे जो है करंट की चपेट में आने से वो यहाँ पर गिर जाती है। एक पास में पड़े हुए डंडे हैं, उनसे मार के किसी तरीके से जो करंट की चपेट से छुड़ाने की कोशिश भी यहाँ पे ऑटो ड्राइवर और जो टैक्सी वाले हैं वो करते हैं। बच्चे जो है उनको अलग कर दिया जाता है, लेकिन जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो साक्षी आहूजा की मौत हो जाती है। करीब 35 साल की उम्र बताई जा रही है, 2 बच्चों की माँ है, और यहाँ से शताब्दी ट्रेन पकड़ने के लिए आई थी। वो ट्रेन करीब 6:20 पे थी और उसी वक्त ये करीब 5:30 बजे यहाँ पे पहुंची थी, बाहर उतरने के बाद जब पैदल आई थी। और यहाँ पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि ये कोई एक ही ऐसा स्पॉट नहीं है जहाँ पे खुली नंगी तारे जो है यहाँ पर पड़ी हुई थी और पानी में करंट आया था। अक्सर यहाँ पर ऐसी लापरवाही देखने को मिलती है, और यहाँ पर जो है हम कोशिश करेंगे कि बात करने की भी कोशिश करेंगे। ये बताइए, ये जब थी आपने क्या देखा था, किस तरीके से? सर, एक्चुअली क्या हमने देखा था, लेडीज़ वहाँ से उतर के अंदर से आ रही थी, वहाँ पर बारिश तो हो ही रही थी, तो हमने लेडीज़ को बोला भी था, हम छोके उठे थे, मैडम वहाँ से चल जाओ, पानी भर रखा है, रेन हो रही थी, काफ़ी बारिश आ रही थी। लेडीज़ के साथ 2 बच्चे थे, एक उनके साथ एक लेडीज़ और थी, तो एक्चुअली क्या वो बचने के लिए ऊपर से ना जाके ना नीचे से निकल गए। हमने बोला भी था मैडम साइड से चले जाओ, तो बोला नहीं भैया हम निकल जाएंगे, थोड़ा सा खंभा पकड़ा उसमें आ रहा था करंट, वो उस करंट को जैसे ही पकड़ने को ना टूटी उसकी लगी और वो उसके साथ ही खंभे के चिपक गई। फिर उसके 2 बच्चे भी कूदने को, उन बच्चों को पहले साइड करा हमने, फिर उनको बहुत कोशिश की छुड़ाने, छुटे नहीं, फिर हमने कपड़ा कपड़ा लाया, उसको बांधा बेल्ट वेल्ट से बचा के, 4-5 बंदे टैक्सी वाला है, ड्राइवर आए, फिर उनको हटाया, फिर उसको हॉस्पिटल ले गए, ये पास में लेडी आडिंग हॉस्पिटल में, उधर डॉक्टर ने चेकअप करा तो देखा तो उसके नस को तो डेथ हो चुकी है, डॉक्टर ने जवाब ही दे देता हूँ। ये बताइए, यहाँ पर और भी कई सारी ऐसी जगह बताया जा रहा है कि खुली हुई तारे रहती है, बारिश का मौसम है, हजारों लाखों लोग यहाँ पर डेली जो है अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए आता है। सर एक्चुअली क्या है, ये तो हमारे सामने पहली बार हुआ है ये घटना, तो पर ये नंगी तारे तो इधर है, उधर भी आप देखोगे कैमरे से तो उधर भी काफ़ी नंगी तारे, इधर भी काफ़ी है, ये तो सारी रेलवे वालों की लापरवाही है सर।
बिल्कुल, देखिए रेलवे वालों की लापरवाही बताई जा रही है। ये पूरा इलाका जो है ये रेलवे की प्रॉपर्टी है और इसकी देखरेख भी जो है रेलवे करती है, और ऐसे में जो आरोप है वो रेलवे के ऊपर रख रहे हैं कि सही से रखरखाव नहीं होता, जो कि खुली हुई तारों को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे कई सारे टैक्सी ड्राइवर और जो ऑटो चालक थे उन्होंने रेलवे के ऊपर कहीं ना कहीं पैसे लेने की बात कही है, और बिल्कुल भी जो सुविधाएँ हैं या फिर जो है रखरखाव है उसकी ना करने की बात कही है। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि रेलवे जो है इस तरीके की जो अपनी जिम्मेदारी से कैसे पीछे रह सकता है, और अब सबसे बड़ी बात है इस लापरवाही के लिए असली जिम्मेदार आदमी कौन है, वो कौन है, क्या वो रेलवे का शख्स है जो कि पूरे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को देखता है, या कोई बाहरी एजेंसी हायर की हुई है, और इस खुली हुई तारों को यहाँ पर किसने छोड़ा था, और जिसकी वजह से जो करंट है उस खंभे में आ रहा था, पानी में करंट आ रहा था। मानसून का महीना है और अक्सर अब जो है बारिश हो रही है और पानी जमा होना है, वाटर लॉगिंग होनी है, और ऐसे में अगर ये लापरवाही से अभी सबक नहीं लिया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़ारों लाखों की संख्या में रोज़ाना जो है यात्री यहाँ पर आते हैं और अपने गंतव्य के जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं, और इस तरीके से अगर पानी में करंट दौड़ने लगा तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल रेलवे को ये सोचना होगा। पुलिस ने 304A यानी गैर इरादतन हत्या का जो है मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। FSL की टीम को बुलाया गया है, वो अपनी जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है उठता है कि इस तरीके के हादसे होते हैं, एक FIR दर्ज होती है, जांच होती है, और जांच होने के बाद उसकी जांच रिपोर्ट और उस पर कार्रवाई के नाम पर तमाम चीज़ें फाइलों में दफन होकर रह जाती है, और फिर इंतज़ार किया जाता है किसी और हादसे का। तो यहाँ पर सवाल यही है कि आखिर इन ऐसे हादसों से कब जागेगी रेलवे, कब जागेगा, और ऐसे हादसे ताकि ना हो, ना सिर्फ ये रेलवे बल्कि इस तरीके की खुली तारें जो है पूरी दिल्ली में कितनी जगहों पे होती है, कितनी मौतें इस तरीके से करंट लगने से होती है। तो ये अभी मॉनसून आया है, मॉनसून आने की पहली बारिश में जिस तरीके से पानी जमा हुआ तब ये हादसा हुआ है। तो ये सबक है तमाम उन एजेंसीज़ के लिए, तमाम उन विभागों के लिए जिनकी जिम्मेदारी होती है जो बिजली की तारें हैं उसको उनको सुरक्षित करने की, उनकी सही से व्यवस्था करने की, ताकि आने वाले दिनों में इस तरीके के हादसे और ना हो पाए। चलिए प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी लापरवाही है, IPC 304A के तहत केस दर्ज किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या ये एक सिर्फ केस कागजों में दर्ज होकर रह जाएगा, या वाकई किसी की जिम्मेदारी तय करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बारिश की वजह से दौड़े करंट की वजह से एक महिला की मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इसके लिए लापरवाह कौन है। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर आप देख सकते हैं पुलिस ने इस पूरे स्पॉट को जो है सील कर दिया है। महिला के जूते पड़े हुए हैं और ये खंभा जिसमें से आप ये तारे देख रहे हैं, इन्हीं तारों की वजह से यहां पर बीती रात को जो है लगातार बारिश हो रही थी तो पानी जमा हो गया था, और उसी पानी के अंदर इन तारों की वजह से करंट दौड़ने लगा था। महिला भोपाल जाने के लिए अपने बच्चों और अपनी एक साथी के साथ जो है रेलवे स्टेशन आई थी। सुबह करीब 5:30 बजे के यहाँ पर पहुँचते ही वो करंट की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। भोपाल जाने के लिए शताब्दी को पकड़ना था, लेकिन इस बात से अनजान थी कि यहाँ पर जो पानी जमा हुआ है उसके अंदर करंट के रूप में एक मौत दौड़ रही है, और उसकी चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। साक्षी आहूजा नाम बताया जा रहा है, उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है, जिसके 2 बच्चे हैं, उनके साथ जाने के लिए वो आई थी। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ऑटो चालक हैं और जो हैं उनसे जानकारी लेते हैं। फिलहाल इस पूरे स्पॉट को जो इंस्पेक्शन करने के लिए, ये जांच करने के लिए फॉरेंसिक की टीम जो है वो भी यहाँ पर आई है, वो पूरी जांच यहाँ पे की जाएगी कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई है, क्योंकि हजारों लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन डेली आते हैं। ये बताइए कितने बजे की घटना थी, क्या आप लोगों को ने देखा था, क्या पता चला? सर देखा नहीं था एक्चुअली, जब हम आए थे सारा प्रोग्राम पता चला 5:30 बजे की बात थी। वो साइड से एग्जिट 2 पे उतरे अपनी गाड़ी से, रोड क्रॉसिंग के चक्कर इधर आए, इधर पानी भरा हुआ था तो उन्होंने पानी में पैर नहीं रखा तो इस खंभे पे जैसे आग लगा ना वैसे ही करंट
टैक्सी वालों ने मना भी करा, मतलब टैक्सी वालों ने मना भी कर दिया, इधर मत आओ, वो फिर भी पानी भरा हुआ, उनको बचाया भी गया था लेकिन कोशिश में। कौन कौन लोग थे, कितने लोग थे? जी सर, नेट अभी तो मॉर्निंग वाले हैं, अभी नेट वाले थे, नेट के ड्राइवर थे वो लोग। अच्छा, उन्होंने जो बचाया पर कोशिश करी और वो बच नहीं पाए। यहाँ पर ये पानी के अंदर करंट था या खंबे के? खंबे के द्वारा ही नीचे करंट फैला हुआ था, पानी में, पानी में यार, पानी में था, पानी में। अच्छा, पानी पर चला गया ना? हाँ, उसमें हुआ है। तो अक्सर जो है यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही, खुली तार दिख रही है, बारिश का मौसम है, पानी जमा होता है, हजारों लोग डेली यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ड्राइवरों ने बोला भाई कुछ सुनवाई नहीं कर रहा, यहाँ पे ड्राइवर ने बोला एक बार ही 10 बारी बोला गया यहाँ पे, लेके कुछ सुनवाई नहीं कर रहा। ये टीटी लोग आकर के हमसे पार्किंग के पैसे मांगते हैं 1200 रुपए महीना, 1200 महीना बोलने बंद कर दिया, ऐसी नहीं करते कोई भी यहाँ पर। नहीं इससे पहले कभी कहीं किसी को करंट वगैरह? टीटी आते हैं, पर्ची कटवाते हैं 1200 रुपए की, जो नहीं करता जो नहीं काटता उनको टैक्सी जब करेंट से बाहर निकलवाते हैं, बोलते हैं भैया सुविधा बिल्कुल नहीं दे रखी टैक्सी वालों को, यहाँ पर पानी भरने से पर्ची करवाने के लिए मना नहीं करते। ऑटो की 780 रुपए की पर्ची है, पर्ची दोगे तो गाड़ी खड़ी होगी, वैसे निकल होगी। अगर यहाँ पर करंट दौड़ रहा है और आपकी टैक्सी भी खड़ी होती है, ऑटो भी होती है, तो आप लोगों की जान को भी खतरा है? प्रीपेड में भी करंट लग चुका है, प्रीपेड बूथ के अंदर भी करंट आता है, आप जाके उनसे बात करो, प्रीपेड वालों से, उनपे भी करंट आता है। कई बार डिपार्टमेंट को पैसा चाहिए कहीं से भी आए, किसी की जान की सुविधा नहीं है। जान की सुविधा क्या दे रखी है? आम नागरिक आए या आम ड्राइवर आए, बस इनसे कुछ भी लिया जाए, पैसा आना चाहिए, सुविधा कुछ नहीं दे रखी। अभी एक व्यक्ति मरा है, हाँ यहाँ कितने ड्राइवर हैं, हम गाड़ी में ही रहते हैं, सवारी आएगी तो लेके जाएंगे, अभी हमारे साथ कोई हादसा है उसका कौन जिम्मेदार है? यहाँ पर और भी जगह ऐसी है जहाँ पे जो है तारे खुले पड़े हुए पानी है। पीछे पीछे दिखाऊं मैं आपको, दिखा के दिखाऊं मैं आपको, अभी आगे एंट्री गेट में उस खंभे में भी आगे वाले हाथों में आपको खुले तारे। तो शिकायत नहीं करी कभी आप लोगों ने? शिकायत करी है, बहुत बार शिकायत करी गई है, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं करते, इस पे सुनवाई नहीं है अपने कर्मचारियों। बिल्कुल, ये यहाँ पे ऑटो और टैक्सी चलाते हैं जो कि अक्सर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे रहते हैं, इनके आरोप है कि इनसे पैसा वसूली की जाती है, लेकिन सुविधा के नाम पर जो है इन्हें बिल्कुल भी सुविधा नहीं दी जाती। ये आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से खुले में जो है तारे यहाँ पर निकली हुई है, और इसी की वजह से जो पानी है जब यहाँ जमा हुआ था तो करंट पूरे इस इलाके में फैल गया था और उसी की चपेट में आके महिला की मौत हुई थी। और अब जो है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि FSL की टीम भी यहाँ पर आई है और वो इंतज़ार कर रही है कि जब जांच अधिकारी यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद यहाँ पर जांच की जाएगी। यानी कि जिस तरीके से एक बड़ी लापरवाही ये हुई है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है इसका पता लगाया जा रहा है। और ये आरोप है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के कई जगह ऐसी है जहाँ पर अभी भी खुली हुई तारें जो है पड़ी हुई है, पानी के वहाँ से पानी भी जमा होता है, और ऐसे में एक बड़ी दुर्घटना को ये आमंत्रण दिया जाता है। और अक्सर जो है इसकी शिकायत जो है रेलवे स्टेशन प्रशासन से की जाती है, लेकिन कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं होता। और जब इस तरीके के हादसे होते हैं तो एक जांच ज़रूर की जाती है, लेकिन वो जांच भी थोड़े दिनों बाद एक फाइल में बंद होकर रह जाती है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।